हेलो एवरीवन, आज मैं आपको वर्लपूल सेमी ऑटो वॉशिंग मशीन के बारे में बताने वाला हूँ कि हम इसे यूज़ कैसे करते हैं। फर्स्ट आप ये देख सकते हैं, इसका लुक पहले मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद में मॉडल नंबर एंड ऑल कैपेसिटी क्या है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये फ्रंट से इसका लुक है। इसकी कैपेसिटी ये 8 kg वॉशिंग मशीन है, सेमी ऑटोमेटिक। इसका मॉडल नंबर आप यहाँ देख सकते हैं, एस टर्बो ड्राई पर्पल डीजल। इसका कलर है, पर्पल कलर है, ये आप कलर देख सकते हैं। कोई भी आप सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन अगर देखते हैं, उसमें 2 टब होते हैं, जैसा कि आप इसमें भी देख सकते हैं, 2 टब है। एक वॉश करने के लिए वॉश टब दिया हुआ, कपड़ा धुलने के लिए, और एक है कपड़ा सुखाने के लिए स्पिन टब। 2 टब होते हैं। फर्स्ट इसमें हम देखते हैं वॉश टब के बारे में। इसका जो कवर दिया हुआ ऊपर का लीड है, इसे अगर आप यूज़ करना है, आपको इधर उधर इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ये मार्किंग आप देख सकते हैं, ये मार्किंग, इसको लाना है। ये साइड में हैंग करने का ऑप्शन दिया हुआ है इस मशीन में, साइड में यहाँ पे दिया हुआ है। इस होल को यहाँ पे ले जाकर इन कर देना है, ये हैंग हो गई मशीन, ये ढक्कन आपका हैंग हो जाएगा, इधर उधर आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह पे। ये आप देख सकते हैं इसका ड्रम है, राउंड टब दिया हुआ है, जो कि आपके क्लॉथ को वॉश करने में काफ़ी हेल्प करता है। राउंड टब टोटली दिया है। एंड इसके अलावा इसमें जो नीचे का मूवर आप देख रहे हैं, इसमें मूवर तो मूव करता है ये क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, प्लस इसमें 4 पेडल्स दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 3 एंड ये 4। इसका बेनिफिट क्या होता है, लाइक कपड़े को क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज मूव करने में ये काफ़ी बेटर हेल्प करता है। एंड ये 4 स्क्रबर भी दिए हुए हैं इसके, ये 4 स्क्रबर यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आपके क्लॉथ को स्क्रब करने में हेल्प करते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड ये नेट, इसमें साइड में नेट दिया हुआ है, जो कि कपड़े को जब हम वॉश करते हैं उसमें से जो भी लिंट्स एंड ऑल कलेक्ट होते हैं वो इसमें कलेक्ट होते रहते हैं, लिंट्स जो भी होंगे इसमें कलेक्ट होंगे, और उस लिंट्स को यहाँ से आप निकाल के ईजिली क्लीन भी कर सकते हैं। इसका सिंपल है, यहाँ से ये अपर पोर्शन पुश करके आपको निकाल लेना है, निकाल के वॉश करके, ये नेट दिया हुआ है, इसे वॉश करके अगेन आप सेम जैसा आपने निकाला वैसे ही फिट कर देना है। यहाँ से ये अपर प्रेस करेंगे, प्रेस करके ये आप फिट कर सकते हैं। ये जो आप नीचे आपने देखा था, यहाँ पे स्क्रबर तो है ही, इसके अलावा यहाँ भी राउंड राउंड 2 स्क्रबर्स दिए हुए हैं, जो कि आपके क्लॉथ जब भी मूव होते हैं वाटर फोर्स के थ्रू, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज मूव होते हैं, तो यहाँ से भी स्क्रबर ये काफ़ी हेल्प करता है आपके कपड़े की वॉशिंग में, यहाँ से हेल्प होगा। इसके अलावा स्टम में यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर लेवल इसका दिया हुआ है, ये देख सकते हैं, ये लो, लो मीडियम है, लो मीडियम ऑप्शन आप देख सकते हैं, थोड़ा और ऊपर आएंगे हाई है, एंड इससे ऊपर ये वेरी हाई आ गया। मैक्स टू मैक्स आप वाटर फिल यहाँ तक कर सकते हैं, यहाँ तक आप वाटर फिल कर सकते हैं मैक्सिमम ये लेवल तक। ये हो गया वॉश टब आपका। इसके अलावा स्प्रिंग टब, स्प्रिंग टब में 2 डोर्स होते हैं, एक अपर डोर है जो कि साइड ओपनिंग है इसकी, एक है इनर डोर। एंड इसमें एसेसरीज में एक ये आता है, पैड आता है, जो कि आप जब भी कपड़े को स्पिन करते हैं तो ये कपड़े के ऊपर से ये ऊपर रखना रहेगा, जो कि क्लॉथ्स को स्पिनिंग में हेल्प करता है, नीचे की तरफ प्रेस करके रखता है कपड़े को, ये आप देख सकते हैं स्प्रिंग टब है। ये आगे इसे हम क्लोज कर देते हैं, बंद करते हैं। एंड एक और खासियत इसमें, इसमें इन्होंने मूव करने के लिए आपको ये हैंडल दे दिया है, ये लाइक
आप इसके थ्रू कहीं भी इसे मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव हो जाएगा, कोई भी इजीली हैंडल कर सकता है, ये आप देख सकते हैं। एंड ये वाटर फिलिंग के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, वाटर इनलेट का ऑप्शन दिया हुआ है। ये पाइप आएगा साथ में इस मशीन के। इस इनलेट में आपको वाटर अगर वॉश ऊपर से फिल करना, ऊपर से भी बकेट के थ्रू भी आप ऊपर से फिल कर सकते हैं। अगर ऊपर से फिल नहीं करना है तो यहाँ से भी ये पाइप का कनेक्ट कर देंगे। ये पाइप कनेक्ट कर दिया आपने, यहाँ पे कनेक्ट करके वॉश टब में, अगर इस टब में आपको वाटर चाहिए वॉश टब में, तो इसके लिए आपको इस डायरेक्शन में इस नॉब को रखना है। ये जो नॉब है इसको इस डायरेक्शन में रखना। बट अगर कभी ज़रूरत हुई आपको स्प्रिंग टब में वाटर की, तो ये स्वाइप इसे इस साइड में कर देना। आपको इस साइड में आप स्वाइप करेंगे, आपका वाटर इनलेट के थ्रू जो वाटर है वो इस टब में आना शुरू हो जाएगा। सो मोस्टली हमें ज़रूरत पड़ती है इस टब के लिए, तो हम इसे इस साइड में मूव कर देते हैं। यहाँ पे आप इसे रख दें। इसके अलावा इस मशीन का कंट्रोलिंग बटन जो दिया हुआ है, ये 4 बटन्स के ऊपर है, ये 4 बटन्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट आएगा आपका फैब्रिक्स टाइप है, फैब्रिक्स टाइप आप देख सकते हैं ये। इसमें आपके क्लॉथ्स की क्वालिटी दी हुई है, हैवी क्लॉथ्स हो गए, नॉर्मल हो गए, डेलिकेट। हैवी में लाइक आपके बेड शीट्स है, कर्टन्स है, टॉवल्स है या जीन्स है, लाइक हैवी क्लॉथ्स हो गए। नॉर्मल में मिक्स क्लॉथ्स आ जाएंगे एंड डेलिकेट में सॉफ्ट क्लॉथ्स आ जाएंगे। सेकंड नॉब दिया हुआ वॉश टाइमर, लाइक हम कपड़े को कितना मिनट तक वॉश करना हमें इसे, ये वॉश टाइमर दिया हुआ है। वॉश टाइमर के साथ साथ इस नॉब में आपको अगर कपड़े को सोक करके लाइक भिगा के रखना है, धुलने से पहले हम भिगाते हैं अगर कपड़े को, तो इसका भी आपको 25 मिनट्स का साइकिल दिया हुआ है। ये आप रोटेट करते हैं 25 मिनट्स से, यहाँ पे 40 to 15 तक ये कपड़े को आपको भिगा के रखता है। अगेन यहाँ से वॉश करना स्टार्ट कर देगा, यहाँ से वॉश करना स्टार्ट करेगा। थर्ड आता है ड्रेन सेलेक्टर, जो कि कपड़े वॉश होने के बाद जो वॉश टब में वाटर होते हैं, इस वाटर को ड्रेन करने के लिए हमें इसकी हेल्प लगती है, थर्ड नॉब की। सो आप इसे रोटेट करेंगे, रोटेट करते ही आपका जो वॉश टब का वाटर है सारा का सारा आउट हो जाएगा। आउट करने के बाद अगेन आपको सेम डायरेक्शन में रख देना वॉश टब में। फोर्थ है टर्बो ड्रायर, लाइक कपड़ा सुखाने के लिए इस नॉब का हम यूज़ करते हैं। 3 मिनट्स 1 2 3 6 10, जैसा भी आपको कपड़े की स्प्रिंग क्वालिटी चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और भी एक इसमें ख़ास बात है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मेंशन किया हुआ है इन्होंने, ऑटो रिस्टार्ट ऑप्शन। ये देखें आप, ऑटो रिस्टार्ट। इसका बेनिफिट कहाँ है, लाइक कभी इलेक्ट्रिसिटी अगर जाती है, आपने मशीन यूज़ करना शुरू किया, वॉश हो रहा है, और आपने इसे इस नॉब को वॉश टाइमर को 15 पे रखा है, वॉश हो रहा है, ये नॉब रोटेट होते होते 10 मिनट्स पे आ गया है, अभी बीच में लाइट जाती है या आपने किसी ने स्विच ऑफ कर दिया है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, ये रोटेट होना बंद हो जाएगा। अगेन जब भी आप ऑन करते हैं मशीन को या फिर इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो जहाँ पे ये स्टॉप हुआ है अगेन वहीं से स्टार्ट करेगा। सो इस वजह से ये एक बेनिफिट है इस मशीन में, ऑटो रिस्टार्ट का ऑप्शन है। प्लस हॉर्न का ऑप्शन दिया है, लाइक जब भी आपका वॉश कंप्लीट होता है तो बज़र देगा, ये आप देख सकते हैं बज़र का ऑप्शन है, बज़र आएगा। एंड इको फ्रेंडली ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। वॉश टाइमर ये आपको दो जगहों पे काम आ रहा है, आपका फर्स्ट वॉश टाइमर में एंड सेकंड स्प्रिंट टाइमर में, लाइक कपड़े को सुखाने में, ये दो जगह पे इसका बेनिफिट दिया। लाइक कम कपड़े हैं, ज़्यादा गंदे नहीं हैं, आपको 10 मिनट्स ही वॉश करना है, तो ये आप इको मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये प्रोग्राम यहीं से स्टार्ट करेगा। सेम वही मोड आपको इसमें भी दिया हुआ है, ज़्यादा आपको अगर कपड़े को ड्राई नहीं करना है, कम ड्राई करना है, लाइक कुछ डेलिकेट क्लॉथ्स हैं उतना हम ड्राई नहीं कर सकते, तो आप इको मोड यूज़ कर सकते हैं, 3 मिनट का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ये लाकर ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑफ कर देगा। ये हो गई इसकी बेसिक नॉलेज। अब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि इसे यूज़ कैसा करते हैं। यूज़ के लिए आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, वाटर लेवल आपका फर्स्ट वाटर लेवल, वाटर आपको फिल करना है, आप या तो अपर साइड से ऊपर से बकेट के थ्रू फिल कर दें, या फिर ये पाइप के हेल्प ले सकते हैं, ये पाइप का हेल्प ले सकते हैं, इनलेट के थ्रू वाटर फिल कर सकते हैं। इस टब में वाटर फिल करने के लिए इसको इस साइड में स्वाइप करके रखना है, वाटर सारा इसमें कलेक्ट होगा। आपको अपने कपड़े के हिसाब से जितना वाटर नीड्स है उतना आपने फिल किया। यहाँ पर आपने देखा था मीडियम,
लो, मीडियम, हाई एंड वेरी हाई। तो आपको अपने कपड़े के हिसाब से जितना आपको रिक्वायरमेंट है वाटर की उतना फिल कर लें। फिल करके अपने अंदाज से, आपके कपड़े के अंदाज से आपको वो डिटर्जेंट देना है। डिटर्जेंट फिल करके ये ढक्कन बंद कर दें। ये जो ढक्कन हमें हैंग किया था यहाँ पे, ये आप बंद कर दें। आपने प्रॉपर इसको बंद कर दिया। बंद करके आपको आना है इस कपड़े की सिलेक्टर पे, लाइक फैब्रिक टाइप पे आना है। फैब्रिक्स टाइप पे आना है, हैवी क्लॉथ्स है, नॉर्मल है या डेलिकेट्स हैं, जैसे भी आपके कपड़े की क्वालिटी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करके अगर सिर्फ आपको कपड़े को सोक कर वॉश करना है तो ये 15 मिनट्स पे ही रखें, अदरवाइज़ आपको भिगा के रखना है तो ये पूरा रोटेट कर दें 40 मिनट्स पे। ये इतना कर दें। लाइक इसमें क्या होगा, आपके कपड़े को यहाँ से यहाँ तक ये 25 मिनट्स तक सोक करके रखेगा, भिगा के रखेगा, यहाँ से 15 मिनट से अगेन ये वॉश करना शुरू करेगा। एंड इस नॉब को, ड्रेन सिलेक्टर को आपको सेम वॉश मोड पे ही रखना है। अगर आपने वाटर फिल यहाँ पे किया और इसको इस डायरेक्शन में कर दिया, ड्रेन सिलेक्टर साइड में कर दिया, तो आप यहाँ से वाटर फिल करते रहेंगे और ये आउट करता रहेगा। तो इसको हमें इस डायरेक्शन में ही रखना है, इस डायरेक्शन में रखना है वॉश साइड में। इतना करके आपको मशीन स्विच ऑन करना है। स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करते ही ये जो आपने यहाँ पे सेट किया है ये ऑटोमेटिकली रोटेट होना शुरू करेगा। रोटेट होते ये आके यहाँ पे बज़र देगा, ऑफ पे आएगा एंड अगेन आपको बज़र देगा। एक बज़र दिया मतलब वॉश कंप्लीट हो गया। वॉश कंप्लीट होने के बाद हम क्या करते हैं, इस टब से जो भी वाटर डिटर्जेंट वाटर है उसको ड्रेन करना है। ड्रेन के लिए आपको इस थर्ड नॉब पे आना है, ड्रेन सिलेक्टर पे। ड्रेन सिलेक्टर पे आके आपको ये वॉश से इसको आपको ड्रेन मोड पे मूव कर देना है। ड्रेन मोड पे जैसे ही आप मूव करेंगे वाटर आपका सारा ड्रेन हो जाएगा। ड्रेनेज आप देख सकते हैं, ये ड्रेनेज पाइप है, ये ड्रेनेज पाइप है, ये मिडल सेंटर में दिया हुआ है डाउन साइड से, वहाँ से आपका सारा वाटर आउट हो जाएगा। आउट होने के बाद आपको खंगालना है, कपड़े को रिंस करना है। रिंसिंग के लिए आपको क्या करना है, अगेन इस ड्रेन सिलेक्टर को, ये जो नॉब है इसको अगेन आपको रोटेट करके वॉश मोड पे रखना है। वॉश मोड पे रख के फ्रेश वाटर फिल करना है, जैसा आपको कंफर्ट लगता है, ऊपर से पानी देना है या इसके थ्रू फिल करना है, आप अपने हिसाब से आप वाटर फिल कर सकते हैं जितना आपको रिक्वायरमेंट है कपड़ा खंगालने के लिए। ये किया आपने, अगेन इस मोड पे आना है, ये तो आपने ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा है। इस वॉश सिलेक्टर पे आना है, वॉश टाइमर पे आपको अपने कपड़े को खंगालने के लिए जितना भी आपको टाइमिंग रिक्वायर्ड है, 5 मिनट्स या जैसा भी आपको टाइम चाहिए उतना आप सिलेक्ट करके मशीन को स्टार्ट कर दें। स्टार्ट करेंगे, कपड़ा आपका वॉश हो गया एक बार, अगेन आपने रिंस कर लिया एक बार, रिंस होगा ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके रुकेगा और बजर देगा, मतलब आपने रिंस भी कर दिया। एक बार और खंगालना तो सेम वही प्रोसेस करना है, वाटर फिल करना है। फिल करके सेम इस पे आना है, सेम 5 मिनट सेलेक्ट करना है, 5 मिनट सेलेक्ट करके स्विच ऑन करना है। स्विच ऑन करेंगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके रुक जाएगा और आपका वॉश एंड रिंस ये दो ऑप्शन ख़त्म हो जाएंगे। अभी आपको क्या करना है, कपड़े को सुखाना है। तो इस टब से आपको कपड़े को निकालना है। ये जैसा कि मैंने बताया था ये हैंग कर देना है, आपको कम्फर्ट रहेगा थोड़ा। ये हैंग कर दिया आपने, इस टब से कपड़े को निकालना है, 6-7 कपड़े निकालना है या जितने भी आते हैं, 5 क्लॉथ्स या 4 क्लॉथ्स आते हैं, इस टब में स्प्रिंग टब में फिल करना है। स्प्रिंग टब में फिल करके इस कवर को आपको ऊपर से लगा देना है। ऊपर से लगा के ये रख देना है और ये प्रॉपर बंद होना चाहिए। आप जब भी कपड़े को सुखाते हैं ये डोर और ये दोनों डोर आपके क्लोज होने चाहिए परफेक्टली। अगर ये आप ओपन रखते हैं तो ये आपकी मशीन वर्क नहीं करेगी, कपड़ा सुखाने का जो प्रोग्राम है वो वर्क नहीं करेगा। सो फर्स्ट इसे प्रॉपर बंद कर दें। बंद करके जैसा कि बताया था टर्बो ड्राई, इस नॉब पे आना, फोर्थ नॉब पे आपको आना है। आपको जितना भी कपड़े को सुखाना है जैसे भी आपको क्वालिटी चाहिए, इको मोड ऑप्शन चाहिए, लाइक कुछ डेलिकेट क्लॉथ्स हैं या ज़्यादा आपको ड्राई नहीं करना है तो 3 मिनट्स का यूज़ करें, अदरवाइज 6 मिनट्स या 10 मिनट्स अपने अंदाज से आपको जितना कपड़े को सुखाना है उस हिसाब से सिलेक्ट करके स्विच ऑन कर दें। स्विच ऑन करेंगे ये आके यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। अगेन आपको इसमें ये हो गए क्लॉथ स्पिन हो गए, सुखा दिया आपने, थोड़े और कपड़े हैं तो सेम वही प्रोसेस करना है। इसमें से 5-6 कपड़े निकालना है,
इसके कपड़े निकाल के, इस टब के कपड़े निकाल के फैला के दूसरे कपड़े इन करना है, और ये कवर जो बताया था ये आपको अंदर फिट करना है, कपड़े के ऊपर रख देना है, ये बंद करना प्रॉपर। बंद करके आपको अगेन 3 मिनट्स या 6 मिनट जैसा भी आपको टाइम लगता है आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके स्विच ऑन करना है, स्विच ऑन करेंगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा। ये है इसकी बेसिक नॉलेज, ये आप देख सकते हैं। और एक बेनिफिट और भी है इसमें, व्हील्स ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े दिए हुए, व्हील्स काफ़ी बड़े हैं। ये बैक साइड पे भी है और फ्रंट पे भी इसके व्हील्स हैं जो कि इस मशीन को फ्रीली मूव करने में हेल्प करते हैं, ये आप देख सकते हैं डाउन साइड से, ये देख सकते हैं आप दोनों का, ये व्हील्स हैं इसके, इसके नीचे है व्हील्स दोनों साइड में। तो ये था एक छोटा सा डेमो इस मशीन का कि आप इसे यूज़ कैसे करते हैं। इसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसका मॉडल नंबर S8.0 टर्बो ड्राई पर्पल डीजल, ये आप देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर है। ओके, थैंक यू।